रहीम ने शैतान रुचिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बासानी आपको मिल सके। अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज की जरूरत है, जादू जिन्नात या कोई भी मसला है, कोई कारोबारी बंदिश, कारोबारी मसला, रिश्तों की बंदिश, रिश्तों का मसला या किसी अपने प्यारे को पाने का मसला हो, अपनी इस बहन को याद करें। मेरे से जहां तक हो सका इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हजारों लोगों की मदद की जा रही है तो आपकी भी जरूर मदद की जाएगी। अमल को अमल की तरह करें तो कामयाबी है, वजीफे को वजीफे की तरह जो तरीका बताया जाए उस तरह करें तो जरूर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आज बहुत प्यारे अमल के साथ फिर से आपके साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जो भी आप जैसा भी आप वजीफा या जो भी आप अपने बारे में पता करवाना चाहते हैं वो हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदेश से शुरू करते हैं, नरम दिल पर आग हराम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस चीज पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर अल्लाह और इसके बंदों से जो बहुत ज्यादा करीब है, इनसे नरम सलूक रखता है, इनसे प्यार मोहब्बत से बात करता है, मलामत नहीं रखता, दिल में बोझ और कीना नहीं रखता और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है, यानी उनकी मदद और इमदाद करता है। और आज जो मैं वजीफा आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा है, उससे पहले एक छोटा सा पैगाम मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसा कि कोरोना वायरस का जो बहुत ज्यादा मसला है, हमारे अपने भी बहुत ज्यादा मदारस हैं, कम से कम 5 मदारस हमारे पाकिस्तान में हैं, 2 मदारस हमारे बाहर के मुल्क में हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप बढ़ चढ़कर अगर हमारे जो मदारस में आप जो है सदका व खैरात या अतियात वगैरह करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं कोई भी, तो आप जरूर हमसे राब्ता करें। हमारी मेल पर, फेसबुक पर, हमारे चैनल पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, आप जहां पर भी हमसे राब्ता करना चाहते हैं करें ताकि सबका भला, सबकी मदद हो। हमारे मदारिस के जो बच्चे हैं उनको आपकी जरूरत है। मेरा मकसद सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाना है, बाकी अल्लाह पाक सब बेहतर करने वाला है, सब बेहतर जानने वाला है। ठीक है, आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको सुरमा या काजल बताया कि आपने उसका जो है, अगर आप जादुई काजल या जो आप सुरमा तैयार करते हैं अपने प्यारों को पाने के लिए, अगर वो आप बना लेते हैं तो बहुत जबरदस्त और बहुत नायाब ये अमल है। आज भी उसी तरह का अमल जो मैं आपको समझाऊंगी वो आप जरूर इस्तेमाल करें। बाजार से मुर्गी का, कबूतर का पर आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। अब आपने उस पर की, मतलब कि जो मुर्गी का पर है या कबूतर का पर है, ठीक है, आपने बिल्कुल सब उसके ऊपर से ना उतार लेना, मतलब कि जो उसके बाल होते हैं या जो पर के पर होते हैं वो सारे आप उतारें, उसके अंदर से ना एक स्लाइस से निकलेगी बिल्कुल ऐसे व्हाइट कलर की, वो आपको बस उसकी जरूरत है। ठीक है, आपने वो इस्तेमाल करनी है। आज जो मैं आपको काजल बताना, जादुई सुरमा बताना बताने लगी हूँ, आप एक दफा जरूर बना के रखें। आप यकीन मानें कि इसका तरीका 3 दिन का है, अमल 3 दिन का है। सूरह कौसर का ये वजीफा है, तरीका इसका ये है कि आपने 341 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है। वक्त इशा का या तहज्जुद का या फजर का, ठीक है, या फिर जवाल से बाद का वक्त हो, पीर जुमा जुमेरात और बुध का ये वजीफा है, आप ये कर सकते हैं। आपने पर का जो मैंने जिस तरह आपको तरीका बताया वो आपने ले लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसा सुरमा है या कोई काजल है उसकी पिन है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई, आपने ना खुद भी किया ना किसी और ने किया, वो भी आप ले सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन जो पर का जो सेंटर का हिस्सा होता है, पर जब आप उतार देते हो तो उसका जो सेंटर का हिस्सा है वो बहुत जबरदस्त बहुत नायाब होता है, उसका आप जो है वो सिलाई बनाएं, ठीक है, जिससे सुरमे के अंदर या काजल के अंदर होती है पिन होती है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करें। और फिर इसका जो है आप यकीन मानिए, अगर ये तरीका आप कर लेते हैं तो आप खुद मुझे दुआएं देंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, 3 दिन पढ़ाई करनी है, सूरह कौसर की पढ़ाई करनी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। परहेज थोड़ा सा कर लीजिएगा, कच्चा अदरक लहसुन प्याज आप ना खाएं, ठीक है, सिर्फ ये
चीज छोड़ दें, पका हुआ खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाएं। अब आपने क्या करना है, पढ़ाई आपने काजल सुरमे के ऊपर दम करनी है। अब उसको आपने, जब आप सुरमा या कोई काजल या कोई मतलब कि आप दम कर भी लेते हो, तो आपने क्या करना है, जो आप अगर आपको पर मिल जाता है, मुर्गी का पर मिल जाता है, आपने उसके पर की जो सिलाई के होकर जो आपने पर उतारे होंगे ना, वो भी आपने संभाल के रख लेने हैं। पढ़ाई के दौरान उनको भी रखना है, ठीक है, उसको भी पढ़ाई के दौरान रखना है, लेकिन उसके पर दम नहीं करना, पढ़ाई के दौरान रखना है। अब आपने क्या करना है कि सुरमा, ठीक है, और जो काजल है उसके ऊपर आप दम कर लें, सिलाई के ऊपर लाजमन दम करें। तस्वुर में आपने जिनका आप तस्वुर, जिनको आप पुकारना चाहते हैं, जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जिनको मुसाफर करना चाहते हैं, जिनके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उनका नाम, उनकी वालदा का नाम, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। तरीका मैं आपको दोबारा से समझाने लगी हूँ, अपना नाम पहले लेंगे, फिर आपने अपनी वालदा का नाम आला खूब, फिर उसके बाद जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी वालदा का नाम, अगर उसकी वालदा का नाम नहीं पता, ठीक है, तो फिर अम्मा हवा आप ये ले सकते हैं, लास्ट में उसका नाम लेना है। अक्सर दफा हम पहले उसका नाम उसकी वालदा का लेते, नहीं, पहले अम्मा हवा या वालदा का नाम, फिर लास्ट में उसका नाम आप ये लें और दम करें। जब आप 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, जो है सुरमे पे भी दम करें, सिलाई पे भी दम करें, परों के जो छोटे छोटे पीसेस जो पर आपने उतारे होंगे उस पर भी दम करें। अब आपने जो पर है ना, उसको तो किसी गमले में, किसी मिट्टी में आपने दफन कर देना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी ऊंची जगह पे या किसी हवा में उड़ा दें, ये आप कर लें। काजल आप रोजाना एक सिलाई लगाएं, यकीन माने अगर कोई समुन्दर पार से भी दूर बैठा होगा, जितना काजल सुरमा पर गहरा होगा, तो इंशाल्लाह उतना ही आपसे वो मुसख़र होगा। किसी के सामने भी लगा के जा सकते हैं। अब मसला आ जाता है कि भाई लोग क्या करें। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेहरे पे किसी जगह पे तिल लगा सकते हैं, अपने अपने हाथ पे तिल लगा सकते हैं, लेकिन आपके हाथ, चेहरा या फिर गर्दन, यहाँ पर काला निशान लगना, चाहे सुरमा बना के सुरमे पे दम करके आप उसका इस्तेमाल कर, सुरमा लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। सिलाई आपने भी जो है कबूतर के पर वाली, जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं उसके सामने भी जाएंगे ना, यकीन माने पागल और दीवाना। अपना प्यारे नाराज हैं उनके लिए, जिन बहनों भाइयों के रिश्ते नहीं होते उनके लिए, जो रिश्ता अपनी पसंद से चाहते हैं और वो शरीयत का ख्याल रखते हैं, उनके लिए ये वजीफा बहुत आला है। किसी को मुसख़र, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, अगर आप किसी कारोबार सिलसिले में किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर किसी अपने प्यारे को मिलने जा रहे हैं, किसी अपने बॉस को मिलने जा रहे हैं, तरक्की के लिए ये करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी नाउम्मीदी नहीं होगी। इसी के साथ इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़र्ज़ निभाएं।